हेलो सो गाइस, हाउ शुड बट बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं यस बैंक में काफी सारी चीजें हुई है। आज तो यहाँ पर आज भी तेजी थी। आज हम देख सकते हैं इसने ओपन ही हाई किया था। स्टार्टिंग में काफी ऊंचा यहाँ पर हाई दिखाया। ऑलमोस्ट इसने ऑलमोस्ट 87 तक का इसने हाई दिखाया और उसके बाद वापस इसने यहाँ पर नीचे डाउनग्रेड दिखाई। अगर हम प्रॉपरली देखें इसके हाई और इसके लो को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग 58.65, ओपन इसने 64.50 का दिया किया था, 87 का हाई बनाया था, काफी ज्यादा 49 का लो बनाया था जो कि बुरी बात है। और यहाँ पर 61.10 पे इसने क्लोजिंग दिखाई, 4.18% था। आज भी जो एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पर आज एक तो कंसोलिडेट करेगा, तो ऑब्वियसली इसने कंसोलिडेट ही किया। इसने यहाँ पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई, यानी कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते हम, फिर भी ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी भी काफ़ी बड़ी तेज़ी होती है। बट यहाँ पर इसने आज भी गिरावट दिखाई थी। आज भी जो स्टार्टिंग में जो ऊपर गया था उसके बाद वापस डाउनफॉल आए, बाद में वापस रिकवरी आई, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। इतनी वॉलेटिलिटी येस बैंक में किसी भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये उसकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी होती थी और अभी इस वॉलेटिलिटी को कंपेयर करके देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी यहाँ पर ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बहुत रिस्की है। आज निफ्टी भी बहुत बहुत वीक था। कल इंटरनेशनल मार्केट बढ़े थे बट कल निफ्टी भी इतना ये नहीं हुआ था। कल भी निफ्टी ने बढ़ दिखाए बट वापस नीचे गिर गया। तो फिर भी अगर देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट 7,500 तक जा रहा है। अगर कोरोना वायरस अगर प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ, सारे बिजनेसेस चालू नहीं हुए 31st तक, सब जिम्स मॉल सब बिजनेसेस और मोस्ट लोगों को वर्क फ्रॉम होम बताया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर प्रॉपरली सब चालू नहीं हुआ जल्द से जल्द, तो यहाँ पर निफ्टी भी 7.5 तक तब तक टच कर सकता है जब तक चालू नहीं होता। और अगर 31st के बाद भी सब चालू नहीं होता प्रॉपरली तो निफ्टी और नीचे जा सकता है और इसका असर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यस बैंक में। उसका असर हमें यस बैंक में देखने को मिलेगा क्योंकि यस बैंक, क्योंकि ये ऑब्वियसली वर्ल्ड मार्केट है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली लोगों को परेशानी तो होगी। यहाँ पर यस बैंक में भी लोगों के पास भी तो पैसा होना चाहिए लगाने को। लोगों के तो अच्छी बात है। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर काफी कुछ न्यूज आई है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स अगर हम देखा जाए, अगर हम यहाँ पर वन डे के चार्ट पर देखें तो वन डे के चार्ट पर भी यहाँ पर हमें क्लियरली कुछ चीजें नजर आती है। अगर इसने ये जो हाई तोड़ा था उसके बाद इसने काफी बड़ी तेज दिखाई, आज भी इसने काफी बड़ा हाई दिखाया। तो आज का हाई इसका ऑलमोस्ट काफी समय, ऑलमोस्ट अब देखा जाए लास्ट अगस्त में इसने ये प्राइस पॉइंट पे था, लास्ट अगस्त पे इतना ज़्यादा प्राइस पॉइंट दिखाया था। तो अकॉर्डिंग टू दी अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को देखें तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। इसने यहाँ पर काफ़ी ऊपर सेलिंग आई है, लोगों ने अपने माल बेच के निकल चुके हैं। मैंने कल आपको कहा था अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हाई हो जाए, माल निकल के बेच दो। कल मैंने कंक्लूजन में, अगर कल आपने जिसने वीडियो पूरी देखी है एंड में मैंने बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी, अगर नहीं देखी तो वापस जाके देखो। मैं कल की वीडियो तो आज चेंज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है। कल मैंने सबको कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप यहाँ पर माल बेच के बाहर निकल जाओ। अगर आपको अभी भी रिकवरी चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो, बट आपका जैसा ही प्रॉफिट हो रहा हो या तो आपका एवरेज भी टच कर गया, आपका लॉस हो रहा था काफी, अगर एवरेज को टच कर गया है तो वहां से निकल जाओ बाहर। प्रॉफिट के लिए मत वेट करो। कैपिटल सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लॉस और प्रॉफिट। अगर कैपिटल सिक्योर है तो आगे जाके फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे, वरना वो भी नहीं। इसलिए कैपिटल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्बड़ देखो, वो मूवी है, काफी अच्छी मूवी है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, काफी न्यूज आई है। बेट्स ऑन लार्जर बैंक्स, यस बैंक रैली, इट्स टेक्निकल फंडामेंटल्स आर स्टिल वीक। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं कि
यहाँ पर टेक्निकली ये बढ़त है, ये टेक्निकल बढ़त है, फंडामेंटल्स अभी भी वीक है, बिल्कुल बिल्कुल वीक है। क्यों नहीं, यहाँ पर 18,000 करोड़ का लॉस हुआ है, फंडामेंटल्स तो ऑब्वियसली वीक ही है, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आई है इसके वजह से यहाँ पर तेजी है। तो फंडामेंटल्स ऑब्वियसली मार्केट डाउन है, सब डाउन है, तो बाद में जब इसके रिजल्ट्स आएंगे, अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा 2020 ईयर का, वो पता नहीं कब डालेंगे, अभी यस बैंक के ऊपर है ऑलमोस्ट, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऑलमोस्ट ये क्वार्टर खत्म होने तक डाल दिया, बट अभी पता नहीं कब आएंगे। बट फिर भी यहाँ पर इमेजिन करो उस क्वार्टर में इतना लॉस हुआ होगा, अगर जन फेब और मार्च में कितना लॉस हुआ होगा, वहां से हम अंदाजा तो नहीं लगाना चाहते कितना होगा, ज्यादा होगा उससे तो काफी बुरी बात है, उससे अगर कम होगा तो इट्स गुड, वेल अप वेल। बट यहाँ पर जे एम फाइनेंशियल कहते हैं कि ये जो बढ़त है, ये सारी टेक्निकल बढ़त है, फंडामेंटली स्टॉक काफी ज्यादा वीक है, इसमें सब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर बताई है, इसने इतना पैसा दिया है, इसने उतने उतना पैसा दिया है, जो कि हम पहले भी 10 बार बोल चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिपीट करके देता हूँ। स्टेट बैंक 6,250 करोड़, वेल 10,000 करोड़, जिसमें 6,250 अभी के इसमें रेस किए जाएंगे, बाकी के बाद में रेस किए जाएंगे। वेल आईसीआईसीआई बैंक 1,000 करोड़, एचडीएफसी 1,000, कोटक महिंद्रा 500, एक्सिस बैंक 600, बंधन बैंक 300, फेडरल बैंक 300, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 250, सब करोड़ में है। वेल तो सबके सबसे यहाँ से इतने इतने परसेंटेज में आए हैं, तो वेल उसके वजह से यहाँ पर बढ़त आई है। और एक न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र बिजनेसमैन गेट्स यस बैंक नोटिस टू पे 152 करोड़ ही डजंट ओव, यानी ये जो बंदा है महाराष्ट्र का बिजनेसमैन है, जो ठाणे में रहता है, खोपट लोकेलिटी में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है ये गांव, वेल मेरे घर से काफी पास है, वेल पर उसे यहाँ पर 152 करोड़ का यहाँ पर लोन की नोटिस भेजी गई है, सचिन तलावड़ेकर नाम है उसका, वेल और उसका ये बोलना है कि मेरा बैंक से कोई भी संबंध है ही नहीं, इसका कोई भी संबंध नहीं है यहाँ पर बैंक से, उसका मंथली टोटल टर्न ओवर इज 25, मंथली ऑलमोस्ट इसका टोटल एनुअल टर्न ओवर यानी ईयरली टर्न ओवर इज 25 लाख, सो जिसका 25 लाख ईयर का टर्न ओवर है वो 152 करोड़ कहाँ से लाएगा, और उसका ये कहना है कि उसने बैंक से नोट या कोई लोन नहीं लिया, बट फिर भी उसको यहाँ पर नोटिस भेजा है, तो पता नहीं इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आगे हम देखेंगे जो भी आएगा। वेल और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि यस बैंक की बैंकिंग सर्विसेज आज से रेज्यूम हो जाएंगी, आज से चालू हो जाएंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर एटीएम्स में भी आपको पैसा मिलेगा, तो आप अगर यस बैंक के डिपॉजिटर हो, आपको यस बैंक में से सेफ फील नहीं होता, आपको पैसे निकालने हैं, तो यहाँ पर आज आप जाके एटीएम में निकाल सकते हो। वेल यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये कि इन्वेस्टर्स के लिए ये बात ये है कि यहाँ पर अगर लोगों ने यहाँ पर डिपॉजिट्स निकालने शुरू कर दिए, तो यस बैंक के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि डिपॉजिट्स आर काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टू द बैंक, बैंक वही डिपॉजिट्स को लेके लोन देती है, उसके कामकाज करती है, बट अगर वही डिपॉजिट्स बैंक में से निकल जाए, डिपॉजिट्स जो कोर होती है एक बैंक की, बैंक को अगर बैंक का बिजनेस ही डिपॉजिट्स के ऊपर होता है और लोन्स के ऊपर होता है, बट अगर डिपॉजिट्स यानी उनकी फंडिंग ही मेन अगर वहां से निकल जाए, तो काफी दिक्कतें आ सकती है बैंक के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम अगर डेटा आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा आगे की वीडियो में, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, बट डेटा निकल के आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट फिर भी जो भी आएगा बता दूंगा। अगर यहाँ पर डिपॉजिट्स निकाले गए कस्टमर्स से काफी ज्यादा तादाद में, तो वो काफी बुरी बात होगी बैंक के लिए। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देखें, तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं यहाँ पर अनवाइंडिंग नजर आ रही है, 60 पे काफी बड़ी अनवाइंडिंग है, जो राइटर्स है, जो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स जो भी थे, तो उन्होंने मोस्टली कैसे यहाँ पर 60 पे 50, यहाँ पर 60 पे 65 पे 50 55 पे यहाँ पर राइट करके रखे थे उनके, तो अभी चलो खैर बात नहीं करते उनके बारे में। वेल तो उनका तो काफी लॉस हो गया होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इस बढ़त की वजह से, बट जो पॉजिटिव्स थे जिन्होंने यहाँ पर पुट्स यहाँ पर राइट की थी 20 पे 15 पे 10 पे, उन्हें ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट हुआ रहेगा, 55 वालों पे तो किसकी हिम्मत नहीं हो गई पुट राइट करने की, बट फिर भी यहाँ पर अगर हम देखा जाए यहाँ पर अनवाइंडिंग है काफी ज्यादा, 50 पे भी अनवाइंडिंग है, 60 पे भी अनवाइंडिंग है,
तो 65 पे अनवाइंडिंग, सब जगह यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पुट साइड में हमें राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर हम देखा जाए तो 60 इज नॉट एन स्टेबल जगह, 60 कभी भी टूट सकता है, तो वो एक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने कहा था माल बेच के निकल जाओ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माल बेच के निकल जाओ, रहना है तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए रहो, बट रिस्क काफी ज्यादा है, रिस्क काफी ज्यादा है, रहना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रहो, काफी ज्यादा रिस्क है, वरना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या एवरेज है तो माल बेच के निकल जाओ। इसलिए 60 इज नॉट एट ऑल रिलायबल थिंग, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, कभी भी टूट सकता है। 55 की बात करें 55 भी टूट सकता है, 50 की बात करें 50 भी टूट सकता है, 45 की बात करें तो 45 भी टूट सकता है, 40 की बात करें तो 40 इज काइंड ऑफ ठीक ठाक सपोर्ट, पर जब तक 40 तक आएगा 40 भी वीक हो सकता है, 35 भी बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 35 भी यहाँ पर काफी वीक नजर आ रहा है, तो 40 एक सपोर्ट है, यहाँ पर अगर काफी गिरावट आई तो 40 आपको एक एज इन सपोर्ट एक्ट करेगा, बट इतने सारे प्राइस पॉइंट है 60, 55, 50, 45, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। अगर ऊपर देखा जाए, पॉजिटिवली देखे तो 65 यहाँ पर एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, 70 देखे तो 70 काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, 75 देखे तो 75 भी रेजिस्टेंस है। अगर आप इंट्राडे करते हो और आपको लगता है कि बाय करना है ऊपर जाएगा 70 तक, तो 70 के पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि 70 को तोड़ना काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। आज की यहाँ पर तेजी आई है, आज जो तेजी है आप देख सकते हैं 75 के भी ऊपर गया था, तो ऐसे ही नहीं वापस ये नीचे आया डाउन, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी ज्यादा राइटिंग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है 70, और आज के तेजी के बाद भी, आज के अनवाइंडिंग के बाद भी यहाँ पर 70 एक काफी ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद, सॉरी रेजिस्टेंस, फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।